तो सच्ची बोले पिछले जन्म में सुअर था। बोले क्यों? बोले बारह भगवान भी तो मैं ही हूँ, पूरी वृंदावन बिहारी। और बड़े हुए बड़े नटखट कन्हैया, एक गोपी का ब्रज धाम की सत्यनारायण का व्रत रखा, घर में पूजा रखी। नहीं अब की बार राजेश जी जाएंगे, आप ही हूं, मत देखिए मुझे, आपकी सेवा कहीं और लगाई जाएगी अब की बार, आपकी सेवा कहीं और से। बोली वृंदावन बिहारी, बोली नंदकंद भगवान की जय। राजेश जी आप जाइए गोपिका के घर में, सत्यनारायण व्रत की कथा है और ब्राह्मण राजेश जी आए करवाने के लिए गोपिका के घर में, और समस्त गोपिकाएं बैठी हैं बड़े आनंद से। सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा सन्मुख रखी हुई है, केले के पत्तों से सजाया गया है, सुंदर वंदन वार बनाई, सुंदर मिष्ठान बनाए, प्रभु के लिए प्रसादी बनाई, सन्मुख रखी, निवेदित की। कथा हो रही है, गोपिकाएं भाव से सुन रही है, और कथा पूर्ण हुई तो ब्राह्मण देव राजेश जी ने कहा, हाथ जोड़ो गोपिकाओं। सबने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर लो, सबने आंखें बंद कर ली। अब भगवान से कहो, हे नारायण स्वामी, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और प्रभु प्रकट होकर दर्शन दें, आप हमें दर्शन दें। और इतने में गोपिकाएं, राजेश जी सभी आंखें बंद करके भगवान को दर्शन की कामना करते हैं, और इसी वक्त नंदनंदन मधुमंगल ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते दो कुत्ते के पिल्ले ले आए। इधर सखियां हाथ जोड़ के नारायण को प्रार्थना करती, प्रकट होइए। नंदनंदन आए, सत्यनारायण की प्रतिमा हटाई, कुत्ते के पिल्ले रखे, और भगवान गायब हो गए। जब सखियां हाथ खोल कर देखा तो भगवान तो नहीं थे, लेकिन कुत्ते के पिल्ले वहां खड़े थे। वृंदावन बिहारी लाल की। बोले ये सब किसने किया? राजेश बोले एक ही है करने वाला। बोले कौन? वो नंद का छोरा, उसके सिवा को कुछ कर नहीं पाएगा। तब गोपिकाएं गई आगे आगे, ब्राह्मण देव दौड़ रहे हैं, गोपिका पीछे पीछे जा रही हैं। बोले चलो आज हल्ला बोलो यशोमती मैया के यहाँ। और जाकर गोपिकाओं ने शिकायत, ए यशोदा रानी तेरे लाला बड़े नटखट हो गए हो। बोले क्यों? बोले आज ऐसा ऐसा करके आए, मैया ने बुलाया, नंदनंदन इधर आ जरा, कान से पकड़ा। गोपिका ने कहा बस मैया बस बस डांटी मत। बोले क्यों? शिकायत लेकर आई। बोले ना, इसे डांटती है तो दिल को ठेस लगती है, दिल में दर्द उठता है। ये गोपिकाएं अनंत प्रेम, बार बार दर्शन करती हैं, फिर भी जीव की प्यास शांत नहीं, तृप्त नहीं हो पाती, अतृप्ति। संसार से देखो उल्टा हो रहा है, संसार से हम अतृप्त हैं, वहां तृप्ति खोज रहे हैं, जबकि तृप्ति कहाँ है? यह तलब अपमान, केवल इनके चरणार विंदु का आश्रय लेंगे, मन तृप्त हो जाएगा, मन भाव से भर जाएगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, गोपिकाएं जैसे नित्य प्रार्थना करती हैं, प्रभु मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में बस मोहनी रूप निहारा करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल चरण तुम्हारे पखारा करूं, वन तुम्हारी प्रेम पुजारिन प्रभु बस आरती भव्य उतारा करूं। ऐसा अलौकिक प्रेम कि एक बूंद भी गोपिकाओं के चरणों की कणिका भी मिल जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। और फिर भगवान करते हैं सबसे अलौकिक लीला माखन चोरी की। ध्यान दीजिए, ये सबसे दिव्यतम लीला है माखन चोरी की। माखन चोरी करने यूं ही नहीं जाते गोपाल जी, ये गोपिकाएं साधारण नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा, सरस्त वर्ष साधना की, उत्क्रांत नाम के संत हुए, साधना की, भगवान प्रकट हुए। बोले मांगो क्या चाहिए, पर वो आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, आप ब्रज में पधारिएगा, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, आप सुनंदा नाम की गोपिका बनकर आना, मैं आपके घर में माखन खाने आऊंगा। ना जाने कितने दंडकारण्य के संत जब रघुनाथ जी गए, और दंडकारण्य के संतों ने जब रघुनाथ जी का दर्शन किया तो सोचे हम तो यूं ही बाबा बन गए। बोले इनके साथ रमण कर जाए तो अनंत अनंत जन्म की कामनाएं वासनाएं यूं ही शांत हो जाए। अब प्रभु आप कृपा करें। तब उन सब संतों को रघुनाथ जी ने कहा, आप ब्रज में पधारिएगा, गोपिका बनकर, ग्वाल बाल बनकर, मैं आपकी लीला करने आऊंगा। मिथिला के वो लोग जिन्होंने रघुनाथ जी को देखा और छवि देखते ही मन आकर्षित हो गया। बोले इनको ना पाया तो फिर क्या पाया, इनकी कृपा ना पाई तो फिर क्या पाया, प्रभु कृपा करें। रघुनाथ ने कहा, अब की बार मर्यादा है, कृष्ण रूप में आना, पुष्टि पुरुषोत्तम है, ब्रज धाम में आना। और वो समस्त वेदों की श्रुतियां गोपिकाएं बनकर प्रकट हो गए वृंदावन धाम में, केवल लीला विहार के लिए। ये नित्य सिद्ध संत हैं,
कुछ कृपा सिद्ध संत हैं जो गोपिकाओं और ग्वाल वालों के रूप में वृंदावन धाम में पधारे हैं। किस लिए? केवल एक अभिलाषा लेकर, श्याम सुंदर की, नंद नंदन की। आज ब्रज में आए हैं और भगवान अब शुरू करते हैं माखन चोरी की लीला। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, चोरी का अर्थ क्या है? चोरी के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम, किसी दूसरे की वस्तु को चुराना, ये चोरी है। बरसात का कुछ है तो पीछे चले जाइए, जाओ जाओ पीछे जाओ, पीछे में जाइए, पीछे पीछे। बोले श्री वृंदावन बिहारी, चले जाओ पीछे, नहीं जाना, नहीं जाना तो फिर यहां बैठ जाइए, आगे आगे इधर बैठ जाइए, जगह है, आओ आगे आगे, मत बैठो वहां पर। बोली श्री वृंदावन बिहारी, जय राधा माधव, जय हो वृंदावन, हो राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा राधे, राधे झूलन पधारो, झुक आए बघरा दे, ओ झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, झुक आए, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, ओ प्यारी झूलन पधारो, झुक आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो, झुक आए बदरा, ओ श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो, झुक आए बदरा, ओ तू तो परम सयानी, वृषभान की लली, तू तो परम सयानी, वृषभानु की लली, तू तो परम सयानी, वृषभानु की लली, ओ तू तो परम सयानी, वृषभानु की लली, तू तो पीछे वाले, ओ राधे झूलन पधारो, झुक आए बघरा, राधे श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, ओ लाडो झूलन पधारो, झुक आए बदरा, ऐसो मान न कीजे हठ तजी हरी, ऐसो मान न कीजे हठ तजी, ओ ऐसो मान न कीजे हठ तजी हरी, ऐसो मान न कीजे हठ तजी हरी, ओ ऐसो मान न कीजे हठ तजी हरी, ऐसो मान न कीजे हठ तजी हरी, ओ श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झूलन पधारो, झुक आए ओ लाडो झूलन पधारो, झुक आए बदरा, देखो बदरा के आने से इसका आनंद क्या है, वो आप क्या जानो, वो पांच जानते हैं। आप तो छत के नीचे बैठे, वो रिमझिम जब बरसात हुए और श्याम सुंदर श्यामाजू के संग में यमुना के पुलीन पर नवगोर गता छाने पर जो दिव्यतम आनंद वृंदावन धाम में हो रहा है, उसी आनंद का अनुभव करते प्रेम से गाइए। श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, ओ राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, लाडो झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झूलन पधारो, झुक आए बदरा।
ओ तेरो रसिक प्रीतम तेरे द्वार भरो, तेरो रसिक प्रीतम ओ तेरो रसिक प्रीतम तेरे द्वार भरो, तेरो रसिक प्रीतम तेरे द्वार खड़ो, तेरो ओ लाडो झूलन पधारो झुक आए बदरा, लाडो झूलन पधारो झुक आए बदरा, ओ श्यामा झूलन पधारो झुक आए बदरा, ध्यान रखिएगा एक बात, ये मेघ नहीं बरस रहे हैं, ये घनश्याम बरस रहे हैं, गोविंद स्वयं बरसते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, जब साधक की साधना परिपूर्ण होती है, जब भक्त के अंतर हृदय में भक्ति की उस अनंत अनंत महासागर की उल्लासता प्रकट होती है, तब भगवान प्रकट नहीं होता, तब भगवान बरसता है। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, सावन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना भवन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर बचे न कोई घराना जी, ये पगलों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ शाम का हो जाए दीवाना जी, ये पगलों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर। आप बैठ जाइए, आगे पीछे कहीं बैठना हो आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो नीचे इसके बैठे नहीं जय हो। बोल वृंदावन बिहारी, लो आनंद लो, करुणा है, हर चीज में प्रभु की कृपा का एहसास करें। जो हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। आज अंकुश मेरे पास आया रोते रोते, और सही है, देखो जब जब जीवन में रोना आए तो दो की शरण में जाओ, या गोविंद या गुरु। अगर इन दो की शरण में जाओगे फिर ये जो अद्भुत दिव्यतम नजारा है ये छूट नहीं पाएगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। वो रस बहता था, बह रहा है, और प्रभु के प्रेम का परम रस सदा बहता रहेगा, अविरल बहता रहेगा, कोई चीज रोक नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा, भक्त भक्त का लक्षण बस एक है, मैंने पहले कहा, भक्त दुखी नहीं होगा, भक्त रुकावट पैदा नहीं करेगा। वो ये नहीं करेगा बरसात हो गई क्या होगा, दुखी नहीं है भक्त, वो खुश है, मेरा प्रभु प्रसन्न हो रहा है, मेरे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आज मेरे भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि सारी सृष्टि में बरस रहे हैं, और भक्त हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है, हे गोविंद हे गोपाल तू प्रसन्न है तो फिर मैं भी प्रसन्न हूँ, हम राजी हैं उसी में जिसमें गोविंद तेरी रजा है। ये भक्त का लक्षण है, जो हो रहा है प्रसन्न है, वो उसमें अनुभूति कर रहा है, क्योंकि सब भगवान का खेल है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्लानिंग ठाकुर जी की है, हमारी किसी व्यवस्था नहीं, ये अवस्था सब गोविंद की है। वो चाहते हैं कुसुम सरोवर पर होने वाली कथा मदन टेर पर होने लगी। कल तक जो पीछे नजारा था वो कुसुम सरोवर का था, और आज जो पीछे नजारा है वो मदन टेर मदन गोपाल जी के मंदिर का नजारा है, यमुना महारानी बह रही हैं। प्रभु चाहते थे, भगवान चाहते थोड़ी व्यवस्था बदले यार, थोड़ा और आनंद आए। और फिर इस मौसम का बिन सावन के जो बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम जो भगवान की करुणा बरस रही है, जो कृपा बरस रही है, इस अनंत कृपा में उसके सौंदर्य का, उसकी खूबसूरती का, उसकी महक का, उसके अनंत प्रेम का एहसास करो। सिर्फ एहसास ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो,
सिर्फ ऐसा। चोरी के दो नियम हैं। प्रथम नियम, किसी दूसरे की वस्तु को चुराना ये चोरी है, अपनी वस्तु चुराकर चोर थोड़ी होगी। अब अपनी ही कलम अपने पास रखो तो क्या चोर, अपना ही पैसा अपने पास रखो तो क्या चोर, नहीं। और अगर एक तरफ देखे सब चोर है, क्यों? यहाँ आपका है क्या? सब कुछ तो इन्हीं का है। देनहार ये है जो दिन रात दे रहे हैं। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहें, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। देने वाले ठाकुर दिन रात लुटा रहे हैं, मांगने वाला मांगते मांगते थक सकता है, और ठाकुर प्यारा देते देते थकता नहीं है, दिन रात दे रहा है, उसकी प्रकृति दे रही है। सूर्य प्रकट होता है, दिन रात चमक रहा है, खूब ऊर्जा दे रहा है, कभी बिल आया नहीं। ये मेघ बरस रहे हैं, शीतल पवन बह रही है, क्या सर्दी में अलौकिक सर्दी का एहसास हो रहा है, लोग सर्दी में गर्मी का एहसास करते हैं, क्या मूड मंदा, बैठ के सर्दी का आनंद ले, जो जो हो रहा है उससे उल्टा चल रहे हैं। गर्मी कर रहा है भगवान, धूप बरस रही है, खूब तिरोहित करने वाली किरणें सूर्य भगवान की, प्रचंड अग्नि जून जुलाई के महीने बरस रही है, और लोग घुस गए एसी कमरे में जबरदस्ती। अरे बाहर आओ एक बार देख लो, सर्दी के में हीटर चला दिया, बोले बीच में शाही डाल दो, क्या जरूरत पड़ी थी, एक पतली चद्दर लो फकीर की तरह और सोवो सारी रात मौज करो। कथा का रस क्या अलौकिक है, तीनों लोक भोसी का नजारा। ये चलने वाली शीतल पवन जो आ रही है, मत सोचना पवन है, ये सोचो ये अनंत अनंत ब्रह्मांड के राजाधिराज गोविंद की आरती का चवर आ रहा है, जो आपको छूकर जा रहा है। गुरु नानक महाराज फरमा रहे हैं, कैसी आरती होवे भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती, अनहद शब्द बजंत पेरी, अनहद शब्द बजंत पेरी, कैसी आरती होवे, कैसी आरती जलाकर क्या इनकी आरती करेगा। देख नेत्र खोल कर पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड उस गोविंद की आरती कर रहा है। ये आकाश मंडल में सजे हुए सूरज चांद सितारे उसकी आरती के दीपक हैं, ये मोतीगण चमक रहे हैं, ये दूर मल्यानंद पर्वत से निकलने वाली चंदनों की सुगंध उसकी धूप ही तो है, और ये चलती हुई पवन भगवान की आरती का झवर झुल रहा है। कैसी आरती होवे, कैसी आरती होवे, पवखंडना तेरी आरती, पवखंडना ये आरती हो रही है, अनहद शब्द बजंत पेरी, अनहद शब्द बजंत, कैसी आरती होवे, आरती होवे, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लव पवन चवरो करे, सगल वन राय फुलंत ज्योति, सगल वन राय फुलंत ज्योति, सगल वन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होवे, पवखंडना तेरी आरती, पवखंडना तेरी आरती, उसी का अनुभव करें,
कैसी आरती होवे पव खंडना तेरी आरती, हे भव खंडन हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा, कैसी गोविंद तेरी आरती हो रही है, सकल विश्व सकल ब्रह्मांड आपकी आरती कर रहा है, ये सूर्य चांद सितारे सब आपकी आरती के सहयोगी ही तो हैं। इसलिए जब जब ऐसा दिव्यतम नजारा हो, हर नजारे में भगवान के उस सूक्ष्म प्रेम का अनुभव करें। मेघ बरस रहे हैं तो मेघ उनकी मंगल आरती कर रहे हैं, नवमंडल उनकी आरती करता है, समस्त कणिका कणिका भी भगवान की आरती के अंदर सम्मिलित हो जाती है। फिर जीव का धर्म क्या है, फिर हमारा धर्म क्या है, जब सकल सकल ब्रह्मांड प्रभु की अलौकिक आरती में सहयोग कर रहा है, हम पीछे क्यों हटे? फिर जब सारा विश्व किसी रूप में आरती कर रहा है, फिर हम भी आरती करें, सम्मिलित हो जाए, उस लीला में प्रवेश करें। अब भगवान की दिव्यतम लीला माखन चोरी, प्रथम नियम किसी दूसरे की वस्तु को चुराना। आप विचार कीजिए, ये सारे ब्रह्मांड किसकी रचना है, इसको रचन करने वाले गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं। ये वृंदावन धाम किसका है, बोलो, श्री कृष्ण का। ये गोकुल किसकी है, मथुरा किसकी है, उच्ची बोल लो, ये यमुना किसकी है, कृष्ण भगवान की नहीं, कृष्ण की, भगवान मत को, भगवान कहने से दूरी बन जाती है, इनसे अपना कोई नहीं है। और वृंदावन धाम में हमारे ठाकुर जी भगवान नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो वो अपना भगवान अपना उतार कर फेंक देते हैं, यहाँ तो वो परम प्रीतम है, परम रसिया है, अपने हैं, इनसे करीब कोई नहीं है, यार है, यार सखा है, जो जो सबसे करीब का रिश्ता है वो है कृष्ण। भगवान कहकर अच्छा नहीं लगता, वृंदावन में तो नहीं, वृंदावन में तो एक ही चीज है, वो क्या, वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर। गोपिकाएं कहती है, हे नंदनंदन आप चोर हैं, चोर, और आप जैसा चोर पूरे ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। कन्हैया ने कहा, गोपिका एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या चुराया? बोले ये बताइए आपने चुराया क्या नहीं है। गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी आप करते हैं, यमुना के पुलीन पर मस्त गोपिकाओं के चीर का हरण आप प्रभु कर लेते हैं।